नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के रिश्ते के बीच में खटास था, उसको लेकर कई सारी चर्चाएं हुई, कई सारे लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुए, एक दूसरे को ट्रोल करते नजर आए, तो वहीं कई सारे लोग जो थे वो खेसारी लाल यादव की जो जोड़ी कही जाती थी काजल राघवानी को, लोग धोखेबाज भी बताते नजर आ रहे थे। लेकिन बात करें तो काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का जो मामला था वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई और इसको लेकर किसी कई भी तरीके की ट्रोल की बातें हुई। लेकिन इन सब के बीच खेसारी लाल यादव कई जगह पर ऐसी बातें बोलते गए जहां पर ऐसा लग रहा था कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच में जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है और इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अलग नाम दे दिया गया है, क्योंकि एक बेस्ट जोड़ी थी, बहुत बेहतर जोड़ी थी और इस जोड़ी जब अलग होती है तो कहीं ना कहीं चर्चाएं हो जाती है। लेकिन इन सब मामलों के बीच जो है आज, यानी कि आज के दिन जो है, काजल राघवानी ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज को लेकर, खेसारी लाल यादव के बारे में लेकर कई सारी बातें बोल दी है, जिसके सुनने के बाद जो है आप भी घबरा जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि आज आखिरकार काजल राघवानी ने ये खेसारी लाल यादव के बारे में क्या क्या बोल दिया, चाहे वो सच्चाई हो सकती है, इनफैक्ट फैक्ट हो सकता है, इट मे बी कि रूमर्स भी लोग फैला सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये जो अगर मैं बात करूं तो ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो देसी भारत एक चैनल, उन्होंने वहां पे इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के दौरान जो है बेबाक तरीके से खेसारी लाल यादव के रिश्ते, इंडस्ट्री और बदनाम वाली जो चीजें है उसको लेकर कई सारी बातें बोली है। क्या क्या बोली है इस सारी जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनसे पूछा गया सवाल कि क्या खेसारी लाल यादव के साथ आप काम करती हैं, तो जिस तरीके से ये जोड़ी अलग हुई है उसके पीछे की वजह क्या है, तो उन्होंने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि कई तरीके के लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि एक दूसरे को क्लोज हैं तो शादी कर लें, तो क्या उनकी हिम्मत है कि वो शादी कर लेंगे, और इस तमाम ऐसी चीजें कही जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो है आपके मंदिर में जो है वो कहीं ना कहीं फीलिंग्स आती है, जिसके की बाद लगातार बातें होती रहती है। वही बात करें तो राघवानी ने कहा कि काजल राघवानी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या खेसारी लाल यादव की वजह से आप इस इंडस्ट्री में आई हैं या फिर खेसारी लाल यादव ही आपको बनाए हैं, तो उन्होंने कहा कि उसे कहा जाए तो पहले जो मेरी फिल्म थी वो पवन सिंह के साथ थी और पवन सिंह के साथ ही हमारा स्टारडम हुआ था, तो उनको मैं जो पूरा है क्रेडिबिलिटी देना चाहूंगी। इसके बाद से जब कई सारी ऐसी बातें हुई, मैं आपके क्या बोला, इंटरव्यू आप देखेंगे तो खुद पता चलेगा। और उन्होंने खेसारी लाल यादव को एक तरीके का दुमुहा सांप कह दिया है, यानी कि दो मुहा, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना, जिस तरीके से मैन पॉट महोत्सव में जाकर उन्होंने कहा था कि अब मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, ये जोड़ी एक साथ दिखाई नहीं देगी। जब इस सवाल पर काजल राघवानी से पूछा गया तो काजल राघवानी ने कहा कि हमने तो कभी नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा और हमारा कोई ऐसे बैर भी नहीं है। कई सारे प्रोड्यूसर्स कॉल करते हैं कि खेसारी लाल यादव आपके अपोजिट में है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कर लेंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव को पता नहीं क्या चूल मची है कि वो हर जगह जाते हैं तो वो कैसी कैसी बातें बोलते हैं कि अब हमारी जोड़ी नजर नहीं आएगी। तमाम ऐसी चीजें कही जिसको लेकर कहीं ना कहीं इस रिश्ते में खटास नजर आता है। और वास्तविकता क्या, रियलिटी क्या है, किस वजह से ये सारी चीजें हुई है, इसकी जानकारी उन्होंने खुद जो है काजल राघवानी ने जो है वहां पर दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं किसी के साथ काम की हूं तो मेरे भी फैन फॉलोइंग है, मेरे भी कुछ लोग जुड़े हैं और किसी के नाम से नहीं जुड़े हैं, मेरा भी खुद का वजूद है, मैंने भी बहुत कुछ बनाया है और सभी की पूजा भी होती है जब वो आप काम करते हैं, और उस काम की वजह से मैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री में टिकी हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि खेसारी लाल यादव के साथ अगर काम मैं ना करूं तो हमारे साथ कई सारे फिल्मों के काम के लाइन लगे हुए हैं, मैं उसको कर लूंगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी कई सारे फिल्म जो है वो शाइन है। और इसको लेकर उन्होंने ऐसी बातें बोल दी। वहीं बात करें तो खेसारी लाल यादव के बारे में बोल दी कि हम लोग वैसे में से नहीं है कि हम लोग रोए आकर, फेसबुक लाइव आकर रोए और तमाम ऐसी चीजें बोले, हम वैसे हैं क्योंकि 10-12 लोग हैं जो गिने चुने लोग हैं, और वही गिने चुने लोग जब इसी प्रकार की चीजों में लगे रहेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाएंगे। और इस तरीके की जो है उन्होंने बात की, कहा कि खेसारी लाल यादव से हमारी वजूद नहीं है और मेरे अपने दम पर जो है वजूद बना लेती हूँ। वहीं बात करें तो कुछ तरीके से, जिस तरीके से काजल राघवानी को लेकर गाने
बदल गई काजल, तमाम ऐसे गाने आ रहे हैं, उस पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि काजल राघवानी ने कहा कि खेसारी लाल यादव, या फिर उन्होंने इंडायरेक्टली निशाना साधा, उन्होंने कहा कि चलिए हमारे गाने के नाम से किसी वजह से कि हमारे गाने के नाम से हमारे नाम से किसी की रोटी रोटी चल रही है, किसी के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सोचिए कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करने देते तो उनका क्या होता है। ऐसे तमाम ऐसी चीजें कही जो कि एक दूसरे के बीच में जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा अलग लेवल का लगता है। बाकी आप इंटरव्यू देखेंगे, वायरल होगा, आप इंटरव्यू जब देखेंगे तो आपको बखूबी इसका अंदाजा भी लग जाएगा। बाकी इन सारी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।